सो हेलो बच्चों, आई थिंक आप सब सही होंगे और आपने मेरे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 9.6 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है बच्चों एक्स डी वाई ओवर डी एक्स देन प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन फैक्टर की तरह है, तो हमें इस क्वेश्चन को डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, डी वाई ओवर डी एक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले इस एक्स को कॉमन निकालते हैं या फिर थ्रू आउट एक्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे एक्स के साथ जब एक्स ये नीचे जाएगा तो एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, देन एक्स वाई कोट ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स और जीरो अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स के साथ ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। आपके पास लेफ्ट रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वन देन प्लस वाई कोट ऑफ एक्स और अपॉन एक्स तो कैंसिल हो गया है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों हमें जनरली क्या चाहिए, हमें वाई वाला टर्म चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्यू होता है, तो हमें वाई वाले टर्म चाहिए। तो वाई वाली टर्म है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स देन प्लस वाई अपॉन एक्स है प्लस वाई कॉट ऑफ एक्स है, और इस माइनस के वन को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, तो ये प्लस का वन बन जाएगा। यहाँ पे बच्चों हम एक्स कॉमन, एक्स तो नहीं कॉमन ले सकते, लेकिन हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ बन जाएगा वाई और इधर एक्स देन कॉट ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे वाई भी आएगा बच्चों, क्योंकि एक्स और वाई के साथ फिर यहाँ पे एलसीएम आएगा ना, तो वाई एक्स बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। अब हम यहाँ से बाई जो है बच्चों वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा डी बाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा वन प्लस एक्स देन कॉट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स देन बाई हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ पे आपके पास वन बच्चा होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास पी का वैल्यू और Q का वैल्यू आ जाएगा। फ्रॉम हेयर पी इक्वल्स टू, अगर हम इस इक्वेशन को इस दी गई इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो आपके पास P का वैल्यू बच्चों आता है वन प्लस एक्स कोट ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, और Q का वैल्यू आता है बच्चों वन, Q का वैल्यू क्या आता है, वन आता है। ठीक है, यहाँ से हम इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास स्टेप वन हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया आपके पास। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, हम सिर्फ पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करते हैं, और स्टेप सेकंड में हम इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करते हैं, जो कि होता है ई रेज टू पावर पी डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर करेंगे, तो पी का वैल्यू आपके पास है वन प्लस एक्स देन कोट एक्स अपॉन एक्स और साथ में डी एक्स। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है कि ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा है ना, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं इसको, तो इसको लिखा जा सकता है वन अपॉन एक्स और प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास कॉट एक्स बचेगा देन डी एक्स। अभी बताइए बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होती है, लॉग एक्स होती है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होती है आपके पास, ये होती है आपके पास लॉग ऑफ, आई थिंक लॉग ऑफ कॉट, हाँ लॉग ऑफ साइन एक्स होती है, यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स होती है। तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, लॉग एम प्लस लॉग एन वाली आइडेंटिटी लग रही है, जो कि किसके बराबर होती है, लॉग एम इन टू एन के बराबर होती है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर ई और साथ में सॉरी इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पास आएगा लॉग एम इंटू एन यानी कि साइन एक्स। तो देखिए ई से लॉग कैंसिल हो जाता है
और इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास एक्स साइन एक्स बच जाता है। तो देखिए आपको समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू क्या है आपके पास एक्स साइन एक्स। देन आपके पास थर्ड स्टेप क्या रहता है, मैं इसको मिटा देता हूँ। थर्ड स्टेप आपके पास क्या रहता है, थर्ड स्टेप आपके पास क्या रहता है कि आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस तरह से फाइंड करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फार्मूला होता है बाय इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू क्यू इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर साथ में डीएक्स और साथ में सी। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास क्या है बच्चों, x साइन x है और q का वैल्यू क्या है बच्चों 1 है और यहाँ पे 1 यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ तो x dx ही आएगा, dx प्लस सी। अभी हम इसको आई लेट से सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। इसको हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, आई लेट से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे y इंटू x साथ में साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या होगा आपके पास, अगर मैं इसको इसको इक्वेशन ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको इक्वेशन ए कंसीडर कर लेता हूँ क्योंकि क्यू का वैल्यू आपके पास आई थिंक 1 है ना, क्यू का वैल्यू 1 अपॉन एक्स